तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, यानी कि जो हम लोग ने रेशियो सीखे थे हाइट एंड डिस्टेंस में, जो वैल्यूज डाल रहे थे, जैसे कि साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, टैन 45 की वैल्यू 1। तो ये जो रेशियोज की वैल्यूज है ना, यानी जो स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हम लोग क्या लिख रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस में, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है ना, या फिर साइन 60 की वैल्यू बताओ क्या होती है, 3/2। तो ये वैल्यूज हमें कहाँ से मिलती हैं, ये वैल्यूज हमें कहाँ से मिलती हैं, तो हमें एक टेबल प्रिपेयर करना होता है जिससे बेसिक कुछ बेसिक एंगल्स होंगे वो कम से कम याद हम लोग कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई और एंगल तुम्हें दे दिया जाए एग्जाम में तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू तुम्हें दी जाएगी। फिर एग्जाम्पल के तौर पर साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, ये तो हमें याद रखनी है, ये तो हमें याद रखनी है। अगर साइन 25 की वैल्यू या 25 एंगल आ गया तब आप क्या करोगे, तो उसके लिए आपको एग्जाम में दी जाएगी वैल्यू, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें पता है कि हमारे पास टोटल 6 रेशियो हैं, टोटल क्या है, 6 रेशियो हैं, और उसके कुछ बेसिक एंगल की वैल्यूज हम टेबल में लिखेंगे, उसे मैं याद करने का तरीका बता दूँ, तो उतनी ही वैल्यूज एग्जाम में आती हैं, उससे ज़्यादा आने भी वाली नहीं है। तो देखो कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखा आपने 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90, ओके, ये पार्ट हटा दो, ठीक है ना, ये टेबल क्रिएट कर दो, बना दो टेबल, चलो बना दिया, काफी बड़ी बड़ी टेबल मैंने बना दी है, ठीक है। तो ये सीरियल आपको याद रहेगा, क्या बोलो, 0, 30, 45, 60, 90, ये सीरियल याद। अब यहां पे हम लोग रेशियो लिखेंगे, थीटा एंगल रेशियो, साइन ये भी सीरियल याद रखना है, साइन नेक्स्ट कॉस कॉस टैन टैन कॉट कॉट सेक सेक कॉसेक कॉसेक। अब इसमें भी आप क्या करो, रोज बना दो, टेंशन खत्म हो जाए, एग्जाम में जाके कर सकते हैं ना, रफ में बना सकते हैं। चलो अब देखो टोटल कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, साइन की 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, फिर कॉस की 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल 6, 30 वैल्यूज हो जाएंगी। तो आप बोलोगे सर 30 वैल्यूज हम कैसे याद करें, तो सुनो यहाँ पर सिर्फ तुम्हें है ना साइन की याद रखना, सिर्फ तुम्हें किसकी याद रखना है, साइन की। अगर हमने साइन का रो फिल कर लिया तो बाकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, वो आप बाकी रेशियो की वैल्यूज आप फिल कर सकते। तो साइन की तो याद रखना पड़ेगा, बस 0 डिग्री में याद रखना है 0 होती है, 90 में 1 होता है साइन, ये तो पक्का याद रख लेना, क्या 0 डिग्री में 0 होता है, 90 में 1 होता है साइन, ओके याद हो गया, ठीक है। 30 में होता है 1/2 और 60 में होता है √3/2, ठीक है, बीच में क्या बचा, 45 बचा, तो यहाँ पे 1/√2, ओके ठीक है, इतना याद कर लिया। कैसे करोगे, कैसे फिल करोगे, जब सीरियल लिखोगे इसे तो 0 का 0 रखना, 90 का 1 रखना, फिर 30 का 1/2, तो 60 का √3/2 और 45 का 1/√, ओके। अब मैं बता रहा हूँ कॉस का तुम्हें वैल्यू कैसे पुट करनी है। देखो जिस तरह तुमने साइन में ऐसे लिखा है ना, इसी के उल्टे ऑर्डर में कॉस की वैल्यू फिल कर दो, इसी के उल्टे ऑर्डर में कॉस की वैल्यू फिल कर दो। देखो यहाँ पे देखो कैसे है, इस तरह है, तो कॉस में हम ऐसे फिल करेंगे, देखो मैंने उंगली यहाँ रखा ही, ये 1 है, मैं पहले यहाँ आखिरी में 1 है साइन में, तो मैंने यहाँ पहले में 1 रखा, पहले में 1 रखा, ठीक है, फिर ऐसे आओ √3/2, फिर ऐसे आएंगे 1/√2, यानी कॉमन कॉमन हो गया, फिर ऐसे आएंगे 1/2, फिर ऐसे आएंगे, कितना इजी था, ऐसे आना है, कैसे आना है, ऐसे आना है, ठीक है सर, बहुत इजी था, बहुत इजी था, ठीक है। अब टैन की वैल्यू फिर फुल कर दी, टैन की वैल्यू इसे याद भी कर सकते हो आप, कि टैन 0 डिग्री में आप 0 लिखो और इसमें नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, यहां पे क्या लिखते 0 लिख दो, यहां पे नॉट डिफाइंड जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो √30 हो और रूट जो बीच वाला होता है ना वैल्यू ना टाइम का, इसकी वैल्यू होती है 1, 45 होता है 1 होता है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे होता है 1/√3, यहाँ पे उल्टा √3/1 या √3, तो टाइम का भी याद करना बड़ा इजी है, कैसे, पहला और आखिरी तो भूल ही जाओ, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड, 1 में 0 नॉट डिफाइंड, 45 1 होता है, 30 में 1/√3, 60 में √3, ओके याद हो गया। इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि टैन इज वॉट, साइन बाई कॉस, टैन क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, यानी टैन में अगर साइन बाई कॉस करते जाओगे तो ये नीचे वैल्यू मिलती जाएगी, देखो
जीरो बाई वन जीरो, वन बाई टू डिवाइड बाई रूट थ्री बाई टू, अरे भाई वन बाई टू डिवाइड बाई, देखो साइन बाई कॉस यही होता है ना, साइन बाई कॉस रूट थ्री बाई टू, इसको रेसिप्रोकल मारेंगे, टू ऊपर जाएगा रूट थ्री नीचे जाएगा, टू टू कट जाएगा, वन बाई रूट थ्री आया कि नहीं जी, है ना, साइन बाई कॉस, टेन क्या होता है साइन बाई कॉस, देखो वन बाई रूट टू बाई अपॉन वन बाई रूट टू कट जाएगा वन आ जाएगा, भाई टेन क्या है साइन बाई कॉस मतलब दिस डिवाइड बाई दिस तो वन आ गया, ठीक है। इसी तरह इसको डिवाइड इससे करोगे रूट थ्री आ जाएगा, वन डिवाइड बाई जीरो डिनोमिनेटर जीरो होता है नॉट डिफाइन होता है, ठीक है ना। या तो इससे सीरियल भी याद कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इजी है क्योंकि जीरो नॉट डिफाइंड, 45 का वन होता है, थ्री थर्टी का वन बाई रूट थ्री, सिक्सटी का रूट थ्री, थर्टी एंगल छोटा तो वन बाई रूट थ्री और सिक्सटी एंगल बड़ा तो रूट थ्री। चलो अब आ जाओ यहाँ पे कॉट से कॉट, अब हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें क्या पता tan है कि टैन कॉट आपस में क्या होते हैं रेसिप्रोकल, क्या क्या रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद कॉस और sec रेसिप्रोकल, मतलब ये दूरियां बढ़ना बढ़ाने वाला, ये ऐसे पता है ना, ये इसके रेसिप्रोकल होता है, ये इसके रेसिप्रोकल होता है, ये इसके रेसिप्रोकल होता है, खेल खत्म पैसा आता है, खेल खत्म पैसा आता है। देखो कॉट क्या होता है टेन का रेसिप्रोकल, तो जीरो का रेसिप्रोकल जीरो अपॉन जीरो करोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल मारना है नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखो टेन का कॉट से लेना है, ठीक है, अब देखो नहीं देखो टेन कॉट आपस में क्या है रेसिप्रोकल, देख लो रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल, इसके मतलब जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है और जो न्यूमिनेटर में उसी को पलट करो, वन बाई रूट थ्री क्या हो जाएगा रूट थ्री बाई वन, वन अपॉन वन का समझो ये नीचे वन ही है ना, वन अपॉन वन वन ही हो गया, ये रूट थ्री बाई वन है तो ये हो जाएगा वन बाई रूट थ्री, नॉट डिफाइन का जीरो हो जाता है रेसिप्रोकल, ठीक है। ठीक है वैसे भी कर सकते हैं, आप देखो कॉस का सेक का रेसिप्रोकल है, वन का रेसिप्रोकल क्या होगा वन अपॉन वन वन, रूट थ्री बाई टू का टू बाई रूट थ्री, रेसिप्रोकल ही तो मारना है, वन बाई रूट टू का रूट टू बाई वन, वन बाई टू का टू बाई वन, वन अपॉन वन का वन, गलत कर दिया, देखो फिंगर वन का अपॉन वन रूट थ्री बाई टू, वन बाई रूट टू का टू, वन बाई टू का टू, जीरो का नॉट डिफाइंड, ये जीरो है ना नॉट, ठीक है आगे वाला चला गया था मेरा उंगली ऊपर गई। अब देखो साइन का कॉस एक्स, देखो जीरो का रेसिप्रोकल तो नॉट डिफाइंड, ओके। अब ये देखो वन बाई टू का रेसिप्रोकल टू, वन बाई रूट टू का रूट टू, रूट थ्री बाई टू का टू बाई रूट थ्री, वन का वन, हो गया ना, बस कितना ईजी था। तुमने सिर्फ साइन याद करना पड़ा, तुम्हें क्या याद करना पड़ा सिर्फ साइन, तुमने याद करना पड़ा साइन याद करना, साइन और टैन, हाँ हाँ टैन भी तुम चाहो तो याद कर सकते हो, अदरवाइज साइन बाई कॉस टैन होता है, साइन तुमने याद किया, कॉस कैसे भरा, जैसे साइन भरा इसी का उल्टा कॉस भर दिया, नॉट रेसिप्रोकल नहीं, इसी का उल्टा, इसे वन वन रूट थ्री, यहाँ पर देख लो इसे ऐसे लो वन रूट थ्री बाई टू, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू, वन टू, ऐसे उल्टा ऑर्डर दिया। टैन क्या कैसे करोगे साइन बाई कॉस, या तो टैन का याद करना बहुत ईजी है, जीरो डिग्री जीरो रखना, नाइन्टी का नॉट डिफाइन करना, थर्टी 45 के बीच वाला वन होता है टाइम का, अब 30 60 बचा वन बाई रूट थ्री और एक का रूट थ्री, सिक्सटी एंगल ज्यादा तो रूट थ्री, थर्टी एंगल कम है तो वन बाई रूट थ्री, थर्टी एंगल छोटा है ना तो वन बाई रूट थ्री, सिक्सटी एंगल बड़ा है तो रूट थ्री बाई वन, ऐसे कर सकते। अब टैन कॉट आपस में रेसिप्रोकल है, कॉस एक आपस में रेसिप्रोकल है, साइन कॉस एक आपस में रेसिप्रोकल, कॉम्प्लीमेंट नहीं बता रहा हूं रेसिप्रोकल बता रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। तो टैन कॉट का रेसिप्रोकल जीरो का रेसिप्रोकल जीरो होता है, वन बाई रूट थ्री का रूट थ्री बाई वन होगा, वन का रेसिप्रोकल वन होगा, रूट थ्री का रेसिप्रोकल वन बाई रूट थ्री, भाई समझो ना यहाँ पे डिवाइड बाई वन, ठीक है ना, नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल जीरो, अब कॉस का देख लो, कॉस का किससे सेक्स है, वन का रेसिप्रोकल वन, रूट थ्री टू बाई का टू बाई रूट थ्री, वन बाई रूट टू का रूट टू, वन बाई टू का टू, जीरो का नॉट डिफाइन, फिर साइन का कॉस एक्स ले लो, है ना, वो जीरो का नॉट डिफाइन, वन बाई टू का टू, वन बाई रूट टू का रूट टू, रूट थ्री बाई टू का टू बाई रूट थ्री और वन का वन, कुल मिला के तुम्हें अगर हाइट एंड डिस्टेंस की बात करोगे तो साइन का और टैन का ये तो बहुत मतलब पक्के तौर पे याद होने ही चाहिए तुम्हें, वैसे भी जैसे एंगल 30 हो गया 45 हो गया या 60 हो गया, इतना तुम्हें है ना बहुत अच्छे से याद रखना है, किसका टैन का और साइन का याद रखना बहुत बार यूज होता है, बाकी तो मैंने पूरी टेबल आपको बता दी है, ठीक है।